कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी ओ माँ, प्यारी माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मदर्स डे इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर, सो आई थॉट एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए अपनी मदर्स को ट्रिब्यूट पे करने के लिए। सो सबसे पहले मैं अपनी दोनों मदर्स को हैप्पी मदर्स डे विश करती हूँ, और उसके बाद उस दुनिया की सारी ब्यूटिफुल मदर्स एंड मदर्स टू बी को अ वेरी 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 हैप्पी मदर्स डे। ये तो कहिए, वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग एक दिन बना दिया गया है जब हम अपनी मदर्स को स्पेशल फील कराते हैं, उनके लिए गिफ्ट्स केक्स लाते हैं और उनके साथ सेल्फीज़ लेके फेसबुक इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी, अ डे इज़ नॉट जस्ट इनफ टू थैंक योर मदर। हमारी माँ कितना हमारे लिए करती है, एक मुझे लगता है कि एक लाइफ टाइम भी कम है अपनी मम्मी को थैंक यू बोलने के लिए। माँ जो एक शब्द है वो बहुत ही छोटा शब्द है, एक ही लेटर से बना है, बट अगर आप उसके पीछे देखिए, जो एक औरत जब वो माँ बनती है तो वो कितना सैक्रिफाइस करती है, वो कितना पेन झेलती है, एंड थ्रू आउट लाइफ उसके दिमाग में एक अपने बच्चे के लिए, बेटरमेंट के लिए जो चीज़ें चलती रहती हैं वो आप सोचिए। जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो सबसे पहले वो अपनी माँ के पेट में आता है, और जब वो पेट में आता है तो समझिए वो एक मोती से भी छोटा होता है, और इतने छोटे साइज से लेके माँ अपने बच्चे को कितना बड़ा ग्रो करती है। और जब बच्चा पेट में होता है तो अगर आप माँ बन चुके हो तो आप सभी जानते होंगे कि माँ कितना पेन से गुजरती है, कितना उसे वॉमिटिंग होती है, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, वो कुछ काम नहीं कर पाती, एंड तब भी उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही होती है कि अगर मैं कुछ नहीं खाऊंगी तो मेरा बच्चा क्या खाएगा पेट में। तो वो अपने पेट वाले बच्चे के लिए खाने की कोशिश करती है, खुश रहने की कोशिश करती है। तो फ्रॉम दैट वेरी पॉइंट जो एक लेडी है अपने बच्चे के बारे में सोचना शुरू कर देती है। और उसके बाद जब वो बच्चा इस दुनिया में आने वाला होता है तो पूछिए मत माँ को कितना लेबर पेन के थ्रू गुजरना पड़ता है। कहा जाता है कि लेबर पेन से ज़्यादा पेनफुल कोई पेन नहीं है इस दुनिया में, बट वो माँ तब भी उस पेन के बारे में सोचे बिना वो ये सोचती है कि जब वो बच्चा इस दुनिया में आएगा तो वो उसके साथ कैसे खेलेगी, उसको देखने के लिए वो एक्साइटेड रहती है, उसको पेन तो एहसास भी नहीं होता। ये सब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं खुद एक मदर हूँ 2.5 ईयर्स ओल्ड सन की, तो मैं अपनी फीलिंग बता सकती हूँ। जब मेरा बच्चा मेरे पेट में था तो कॉन्स्टेंटली मेरे दिमाग में एक चीज़ चलती रहती थी कि जब मेरा बेटा इस दुनिया में आएगा तो मैं उसको देखूंगी तो मैं क्या फील करूंगी, कैसा फील करूंगी, उसको मैं क्या सिखाऊंगी और कैसे उसकी अपब्रिंगिंग करूंगी, उसके लिए घर डेकोरेट करना, कपड़े खरीदना। तो एक जो ऑरा होता है ना आपके आसपास, जब बच्चा दुनिया में नहीं आया होता तब भी बहुत हैप्पी ऑरा बन जाता है। तो यही एक फीलिंग होती है माँ की, और ये फीलिंग थ्रू आउट, आप जब तक आपकी माँ का एग्जिस्टेंस है इस अर्थ पे और जब तक आपका एग्जिस्टेंस है, ये चलता रहता है। आप कितने भी बड़े हो जाएं बट आप अपनी मम्मी के लिए हमेशा बच्चे ही रहेंगे। अब मैं यहाँ हूँ, हजारों किलोमीटर अपनी मम्मी से दूर हूँ, बट स्टिल मेरी मम्मी के दिमाग में यही चलता रहता है कि मेरी बेटी ने कुछ खाया या नहीं खाया, उसने अपने लिए कुछ बनाया या नहीं बनाया। तो हमेशा एक माँ के दिमाग में वो चीज़ चलती रहती है चाहे आप कितने भी बड़े हो जाएं। सो आई वुड से इस 24 घंटे के दिन में हर रोज़ 5 मिनट ज़रूर अपनी माँ के लिए निकालिए, फ़ोन करिए उन्हें अगर आप पर्सनली नहीं मिल सकते, डेली दूर रहते हैं उनसे जॉब पढ़ाई वगैरह को लेकर। सो प्लीज़ उनसे उनके हालचाल ज़रूर पूछिए, फ़ोन करके अपने हालचाल बताइए जिससे कि उन्हें लगे कि हाँ उनके बच्चे उनका सोचते हैं, उनकी सुनिए, अपनी कहिए जिससे कि उनको भी लगे कि हाँ कोई है जो उनकी भी बातें सुनेगा, और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा जब आप अपनी फीलिंग्स, अपनी चीज़ें अपनी मम्मी के साथ हमेशा शेयर करेंगे, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करेंगे। आई वुड से कोई भी माँ एक
पापा के बिना नहीं होती. सो एज अ होल आई वुड से मदर्स डे इज़ अ पेरेंट्स डे. सो अपने पापा और मम्मी के साथ हमेशा एक फ्रेंडली रिलेशन बनाने की कोशिश करिए. हर चीज़ उनसे शेयर करिए, उन्हें टाइम दीजिए, उन्हें इम्पोर्टेंस दीजिए. हम लोग जब बड़े हो जाते हैं, जब पढ़ाई और जॉब को लेके घर से निकल जाते हैं, तो उस टाइम पे हम माँ की, पेरेंट्स की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाते शायद. हम अपनी जॉब को, अपनी पढ़ाई को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं. और मैं कहूँगी वो गलत भी नहीं है, बट इन अ डे ऑफ 24 आवर्स एटलीस्ट एक कॉल आप अपनी माँ को ज़रूर करिए. एंड सेम आप कोशिश करिए अपना रिलेशन अपनी मदर इन लॉ के साथ भी इस्टेब्लिश करने का. वो भी एक माँ है. एक लेडी के लिए मैं बोलूँगी, जो आपको हस्बैंड मिले हैं, अगर वो बहुत केयरिंग हैं, लविंग हैं और आपका बहुत ध्यान रखते हैं, वो सब गुण उन्होंने अपनी माँ से लिए हैं, वो सब चीज़ें उनकी माँ ने उन्हें सिखाया है. सो प्लीज़ आप अपनी मदर इन लॉ को भी अपनी माँ की तरह ट्रीट करिए और देखिएगा वो भी आपको अपनी बेटी की तरह ट्रीट करेंगे. सो ये थी कुछ माँ को ट्रिब्यूट पे करने की बातें. और अब मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाती हूँ अपने मदरहुड पे. ये मेरी माँ हैं जो मुझे इस दुनिया में लाई, पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, अच्छे बुरे का फ़र्क करना सिखाया, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करना सिखाया और उसके बाद इस माँ को सौंप दिया. ये मेरी मदर इन लॉ हैं जिन्होंने बहुत प्यार दिया मुझे, सपोर्ट किया. शादी के बाद हर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ये मेरे साथ खड़ी रहीं और एक बहुत ही प्यारा, लविंग, केयरिंग जीवन साथी मुझे दिया. और यहाँ से शुरू होती है मेरी मदरहुड की जर्नी. जब मैंने पहली बार अपने बेटे को अल्ट्रासाउंड में देखा था, ओ माई गॉड, आई जस्ट कांट एक्सप्रेस दैट फीलिंग. आई जस्ट वॉन्टेड टू फील हाउ इट फील्स लाइक टू बी अ मदर. आई जस्ट वॉन्टेड टू सी हिम, होल्ड हिम इन माई हैंड्स, लव हिम, किस हिम. एंड तभी से हमारी प्लानिंग शुरू हो गई कि हम किस तरीके से अपने बेटे को बड़ा करेंगे, क्या कपड़े पहनाएंगे, किस तरीके से उसके लिए घर डेकोरेट करेंगे. और जिस दिन मैंने पहली बार उसको अपनी गोदी में लिया, वो फीलिंग तो वर्ल्ड्स अपार्ट फीलिंग थी. धीरे धीरे वो ग्रो होता गया और हमने उसे चलना सिखाया, खाना सिखाया, बोलना सिखाया, हंसना सिखाया, पढ़ना सिखाया. एंड भगवान से बस यही दुआ करते हैं कि भगवान उसे एक अच्छा इंसान बनाए और उसे हम सारी दुनिया की वो खुशी दे पाएँ जो वो डिज़र्व करता है. तो आज की वीडियो यहीं तक थी. उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी. इफ़ सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर मॉम्स एंड एवरीवन. एंड फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ. टिल देन यू टेक केयर, बाय, लव यू ऑल.